महिला अध्यक्ष हूँ। आज हम जिलाधिकारी ऑफिस में इसलिए आए हैं कि जो हिंगन घाट में अंकिता जो एक प्राध्यापक थी जो जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया था, ऐसी प्राध्यापक बेटी के ऊपर एक आदमी ने पेट्रोल डाल के उसको जान से मारने की कोशिश की और आज हॉस्पिटल में आज वो मृत्यु की छत्र छाया में है। तो शासन को हमारा ये वीडियो के जरिए इतना ही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उसको न्याय दे दे, जो भी उसका मेडिकल का खर्चा है उसके परिवार को भी सपोर्ट करे और उसके जिसने किया उसको भी जल्दी जल्दी न्याय दे, यही हम सभी की तरफ से ये निवेदन है। और ये जो भी घटना हुई उसका हम निषेध करते हैं। धन्यवाद। मैं वैशाली जैसा समझ से चाहती हूँ वैसा ही अत्याचार उस पर भी होना चाहिए, तभी ये ऐसे जो कृत्य कर रहे हैं उन लोगों को ऐसा पता चलना चाहिए कि नहीं बहुत गलत है ये करना, यही जो कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। अगर हम कुछ करेंगे नहीं, हम लेडीज होकर अगर कुछ करेंगे नहीं तो फिर कोई भी नहीं करेगा, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि उसको न्याय मिले। मैं मिसेस अर्चना बेनेडिक्ट क्रिश्चियन एकता मंच की विदर्भ प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आज कलेक्टर ऑफिस में अंकिता के लिए यहाँ पर डेप्यूटेशन देने के लिए हम महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई है। हम ये नारा तो बहुत सुन रहे हैं अभी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, लेकिन अगर हम बेटी को अपने गर्भ में तो बचा रहे हैं लेकिन बाहर के माहौल में देखिए तो बेटियों के साथ में किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। अगर हम गर्भ में बचा रहे हैं लेकिन हम बाहर नहीं बचा पा रहे हैं, उनकी सुरक्षा हमारे हाथ में कैसे किस प्रकार से होना चाहिए, ये सरकार ने उस तरफ ध्यान देना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को तभी हम समर्थन सही तरह से बोल सकते हैं कि हमने उसको प्रोत्साहित करे है उस प्रोग्राम न्याय के लिए उस लड़कियों को। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है हम महिलाओं के लिए, लेकिन पहले के ज़माने में जैसे हम देखते थे कि आँख के बदले आँख, जैसे किसी का आँख अगर किसी ने निकाल दिया तो वैसे ही प्रकार से न्याय होता था। शायद किसी प्रकार का न्याय उम्मीद करें कि अगर उस लड़की के साथ में जो एक लेक्चरर थी, ठीक है, पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ में किस प्रकार से हुआ जो हुआ, तो हम चाहते हैं कि उस लड़की को भी पेट्रोल डाल करके जलाया जाए, तो यही सही तरह से मायने में उसके लिए न्याय होगा। और वो एक शेतकरी की लड़की थी, गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, तो हम चाहते हैं कि गरीबों के साथ अन्याय ना हो और उस लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत अमानवीय घटना है। हम इस अमानवीय घटना के निषेध के लिए यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में जमा हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये न्याय जल्द से जल्द।